हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कई लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तापसी पन्नू और कंगना रनौत भी कई बार कई मुद्दों को लेकर आपस में टकराती दिखती हैं। हाल ही में कंगना ने निशाना साधते हुए तापसी को बी ग्रेड एक्ट्रेस में बता दिया है, जिसके बाद तापसी ने भी कंगना पर पलटवार किया था, जिसके बाद तापसी ने ये ट्विटर वॉर खत्म कर दी थी। वहीं अब तापसी पन्नू ने एक बार फिर से कंगना पर निशाना साधा है और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया है। तापसी पन्नू ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कहा, बॉलीवुड में बने रहने के लिए मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। मैंने कभी कंगना या किसी से भी समर्थन नहीं मांगा। बॉलीवुड में इन दिनों इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर नई बहस शुरू हुई है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आउटसाइडर हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि सही गलत, सफलता असफलता, ये मैंने खुद तय किया है और यही एक आउटसाइडर की खूबसूरती भी है। मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लगता है कि मुझे बिना वजह बदनाम किया जा रहा है। मेरी सफलता को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मुझ पर निशाना साधते हुए मुझे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मुझे बी ग्रेड एक्ट्रेस, सस्ती कॉपी जैसे कई नाम दिए गए हैं। मुझे ये सब गलत लगता है। इसके आगे तापसी पन्नू ने कहा, मैंने कभी किसी का नाम लेकर गलत तरीके से निशाना नहीं साधा। मैंने कभी किसी के सफलता असफलता के बारे में बात नहीं की। मुझे लगता है कि ये काम दर्शकों का है और उन्हें करने दो। इसके बावजूद मुझ पर निशाना साधा गया। जब मुझे पति पत्नी और वो से बाहर निकाला गया, तब मैंने आवाज उठाई थी। उस समय कंगना कहाँ थी? वो कह रही है कि वो हमारी लड़ाई लड़ रही है, तो उस समय वो मेरे सपोर्ट में क्यों नहीं आई? मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। तो तापसी पन्नू की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो ये कहना चाहती हैं कि उन्हें जब पति पत्नी और वो से रिप्लेस कर दिया गया था, क्या तब कंगना रनौत उनकी मदद के लिए आगे आई, जो वो अब बड़ी आउटसाइडर वाली बन रही है। साथ ही तापसी ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस, सस्ती कॉपी जैसे कई नाम दिए गए जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि तापसी के इस बयान पर कंगना क्या कहती है। वैसे आप तापसी की बातों से कितने सहमत हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।